पर अब काम शुरू होगा, क्या तैयारी है? ये एक बहुत बड़ा काम है। पूरा सीमांचल एरिया में 215,000 हेक्टर जमीन में सिंचाई इससे होगा, और उस एरिया में आप जानते हैं कि बहुत इम्बैंकमेंट भी नहीं है, बांध नहीं है, तो फ्लड का एक मेजर समस्या रहता था, तो उसका भी प्रभाव कम होगा। कोसी मेची लिंक बिहार में पहली इंटरलिंकिंग योजना है जो इतने बड़े स्केल पर ये काम शुरू होगा, और कल कैबिनेट ने इसको पास करके इसका DPR का काम शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि जल्दी इसी साल हम लोग DPR लेके फाइनल करके इस पर काम शुरू कर देंगे। ये नेशनल प्रोजेक्ट में आ गया है। सारा जो क्लियरेंस होता है इस लेवल के काम करने में, पर्यावरण का होता है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होता है, या और सारा क्लियरेंस भारत सरकार से और बिहार सरकार से मिल चुका है, और मुझे लगता है कि सीमांचल के क्षेत्र में इस चारों जिला अररिया इतने बड़े स्केल पर ये काम शुरू होगा, और कल कैबिनेट ने इसको पास करके इसका DPR का काम शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि जल्दी इसी साल हम लोग DPR लेके फाइनल करके इस पर काम शुरू कर देंगे। ये नेशनल प्रोजेक्ट में आ गया है। सारा जो क्लियरेंस होता है इस लेवल के काम करने में, पर्यावरण का होता है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होता है, या और सारा क्लियरेंस भारत सरकार से और बिहार सरकार से मिल चुका है, और मुझे लगता है कि सीमांचल के क्षेत्र में इस चारों जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इस चारों जिला में फ्लड मिटिगेशन, बाढ़ का प्रभाव कम और सिंचाई का एक बिहार का पहला इस स्केल का योजना पे काम शुरू हो गया। राष्ट्रीय परियोजना में शामिल है 60% भारत सरकार, 40% बिहार सरकार। हम लोग डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, जैसे केन बेतवा योजना जो इतना बड़ा है मध्य प्रदेश यूपी का, 90-10 के रेशियो पर वो मिले, लेकिन अभी इस पर तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट में काम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय परियोजना में शामिल है 60% भारत सरकार, 40% बिहार सरकार। हम लोग डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, जैसे केन बेतवा योजना जो इतना बड़ा है मध्य प्रदेश यूपी का, 90-10 के रेशियो पर वो मिले, लेकिन अभी इस पर तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट में काम आगे बढ़ा रहे हैं, और रिक्वेस्ट हम लोगों का ऑलरेडी भारत सरकार के पास है कि उसमें हो, लेकिन ये राष्ट्रीय परियोजना में शामिल हो गया है। कब तक काम लगेगा? कल जो कैबिनेट से हुआ है उस पर DPR, इसका डिटेल DPR बन रहा है। इस स्केल का काम बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बताया कि ये DPR इसी साल ये पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस पर काम शुरू करेंगे, क्योंकि इसका जो इनिशियल जो कॉस्ट था वो करीब 5,000 करोड़ का था, लेकिन ये 3-4 साल पहले का था। अब तो जो नया DPR बनेगा, क्या असेसमेंट आता है, फिर उस बेसिस पर ये काम होगा। लेकिन इंटरलिंकिंग का, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से पानी आता है नेपाल से, इंटरलिंकिंग का पहला योजना है जो सारा प्रक्रिया पूरा हो गया। मैंने कहा कि सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है, अब ये अपने इसका फर्दर जो इसमें काम होना है उसके तरफ ये बढ़ गया है। ये मुख्यमंत्री जी जब 18 को फ्लड पे बैठक किए थे, और उसी उन्होंने कहा था कि आप लोग जितने विधायक हैं और उनसे बात करके, और ये उनका भी फीडबैक ले लीजिए उनके क्षेत्र में, इसका फर्दर जो इसमें काम होना है उसके तरफ ये बढ़ गया है, योजना में शामिल हो गया है। कल जो कैबिनेट से हुआ है उस पर DPR, इसका डिटेल DPR बन रहा है। इस स्केल का काम बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बताया कि ये DPR इसी साल ये पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस पर काम शुरू करेंगे, क्योंकि इसका जो इनिशियल जो कॉस्ट था वो करीब 5,000 करोड़ का था, लेकिन ये 3-4 साल पहले का था। अब तो जो नया DPR बनेगा, क्या असेसमेंट आता है, फिर उस बेसिस पर ये काम होगा। लेकिन इंटरलिंकिंग का, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से पानी आता है नेपाल से, इंटरलिंकिंग का पहला योजना है जो सारा प्रक्रिया पूरा हो गया। मैंने कहा कि सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है, अब ये अपने इसका फर्दर जो इसमें काम होना है उसके तरफ ये बढ़ गया है। ये मुख्यमंत्री जी जब 18 को फ्लड पे बैठक किए थे, और उसी उन्होंने कहा था कि आप लोग जितने विधायक हैं और उनसे बात करके, और ये उनका भी फीडबैक ले लीजिए उनके क्षेत्र में,
इसका फर्दर जो इसमें काम होना है उसके तरफ ये बढ़ गया है। ये मुख्यमंत्री जी जब 18 को फ्लड पे बैठक किए थे और उसी उन्होंने कहा था कि आप लोग जितने विधायक हैं और उनसे बात करके और ये उनका भी फीडबैक ले लीजिए उनके क्षेत्र में क्या इशूज हैं क्या फ्लड को लेकर के, और चार विभाग जो है जल संसाधन RCD ग्रामीण कार्य विभाग और लघु जल संसाधन विभाग, हम इस चारों के हमारे मंत्री और सचिव रहे। ये प्रेसिडेंट पहले कभी नहीं रहा बिहार में कि हर एक विधायक से बात करके फीडबैक लेने वाला। पिछले साल से सरकार ने ये शुरू किया है और हम लोगों ने सारे प्रमंडल से जितने विधायक जुड़े हुए थे एक एक विधायक से फीडबैक ले लिया, और अगले 3 दिन में हमारे इंजीनियर, क्योंकि वो लोग भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो लोग भी जुड़े हुए थे उस जोन के, वो लोग भी सब बात नोट किए हैं। अगले 3 दिन में जो जो पॉइंट वो लोग रेज किए हैं जो फ्लड को लेकर के जहाँ थोड़ी समस्या है उस सब पॉइंट पे वो जाएंगे, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे और जो पॉसिबल काम है उसको हम लोग 1 जून से, क्योंकि अब रिवाइज हो गया है उसका टाइमिंग भी, टेकअप कर लेंगे। सारा तो नहीं पॉसिबल है लेकिन जो पॉसिबल होगा या जो इम्पॉर्टेंट होगा या जो अर्जेंट होगा उस काम को हम लोग इमिडिएटली टेकअप कर लेंगे जो उनका फीडबैक मिला। 2018-19 से काम चल रहा तो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर डेटा एनालाइज करके हर एक एरिया में हम लोग उसको डिसिप्लिन भेजते हैं तो आपको पता है किस एरिया में कितने और 90% करेक्ट डेटा उस जोन के, वो लोग भी सब बात नोट किए हैं। अगले 3 दिन में जो जो पॉइंट वो लोग रेज किए हैं जो फ्लड को लेकर के जहाँ थोड़ी समस्या है उस सब पॉइंट पे वो जाएंगे, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे और जो पॉसिबल काम है उसको हम लोग 1 जून से, क्योंकि अब रिवाइज हो गया है उसका टाइमिंग भी, टेकअप कर लेंगे। सारा तो नहीं पॉसिबल है लेकिन जो पॉसिबल होगा या जो इम्पॉर्टेंट होगा या जो अर्जेंट होगा उस काम को हम लोग इमिडिएटली चेकअप कर लेंगे जो उनका फीडबैक मिला। 2018-19 से काम चल रहा तो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर डेटा एनालाइज करके हर एक एरिया में हम लोग उसको डिसिप्लिन भेजते हैं तो आपको पता है किस एरिया में कितने और 90% करेक्ट डेटा रहता है, 10% तो एरर मार्जिन रहता है। तो उससे फ़ायदा हम लोगों को ये हुआ है कि जिस एरिया में ज़्यादा इंटेंसिटी से बारिश होने वाली है तो वहाँ हमारे विभाग के लोग और प्रशासन के लोग पहले से ही अलर्ट रहते हैं तो टूटने की संभावना काफ़ी मिनिमाइज इस वजह से हो गई। मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं टूटेगा लेकिन उससे उसका एक बड़ा फ़ायदा इसका मिला है। अभी जैसे वीरपुर गए थे मुख्यमंत्री जी और पहला ऐसा काम, दूसरा ऐसा जगह है कि पुणे के बाद जो जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर पटना में है तो वैसे ही वहाँ फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है कि फिजिकली आप जांच करते हैं रिवर के का स्टडी करते हैं। तो जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है अभी तक पूना में जाकर के ये काम कराना पड़ता था, करोड़ों खर्चा भी होता था और टाइम भी लगता था। इस साल के अंत तक वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ऑलरेडी काम चल रहा है। तो जो बिहार के रिवर है उसका सारा स्टडी, उसका जो मॉर्फोलॉजी है, जो भी सारी चीज़ है वो अब सुपौल जिला के वीरपुर में ही हो जाएगा। अब मुझे जो दो पार्ट है इसका, एक मटेरियल तैयारी डिपार्टमेंट का और टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अनप्रिडिक्टेबल रेन आता है, क्लाइमेट चेंज है, बताइए ना, अप्रैल में बाढ़ आ गया, मई में बाढ़ आ गया, पूरा आसाम डूबा हुआ, पूरा आसाम डूबा हुआ, तो रेन का तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इससे आपको मुझे लगता है आने वाले टाइम में इन सब